वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? निम्रा अली। निम्रा अली, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आज मेरी कज़न हमारे घर रहने आई हुई थी, तो वो कह रही थी कि आओ कहीं आउटिंग पर चलें, तो हम आउटिंग पर जा रहे थे, सोचा था हमने कि हम जाएंगे। तो ऐसे रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब पर शो देखा, वहाँ पर एक ऐसे ही आए हुए थे रिपोर्टर्स वगैरह और पूछ रहे थे, वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह गए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब हम यहाँ आने लगे तो मेरे भी जहन में आया काश हम जाएं तो वहाँ पर भी ऐसे रिपोर्टर्स आए और मैं टीवी पर ऑन स्क्रीन, आई एम सो हैप्पी, टू हैप्पी कि मैं यहाँ आई हूँ और आप लोग यहाँ आ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी हम यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पर ना एक यूट्यूब चैनल वाली आंटी खड़ी हुई थी, तो ना उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। तो मैंने कहा, तब मेरी मामा ना ग्राउंड में बैठी हुई थी तो हम ऐसे ना घूम रहे थे, तो ना मेरी बहन कहती है नहीं निम्रा नहीं करना, नहीं निम्रा नहीं करना। मैंने कहा तुम चुप करो मैं करके रहूंगी, तुम चुप करो मैं करके रहूंगी, कहती नहीं करना तुम पीछे हटो। लेकिन फिर भी उसमें भी मैंने अपना आधा चेहरा दिखाई दिया, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि आखिरकार तो कैमरे में आना मेरा दिखा ही था। जी अब आप सिटी 42 की स्क्रीन पर नजर आ रही है सब लोग आपकी, ये जो मैं एक स्टोरी भी सुनाऊं? अभी दो तो सुना। हाँ नहीं, मैं एक पॉइंट सुनाने लगी हूँ। पॉइंट चलो सुनो। एक चूजा होता है, उसके ना दो छोटे छोटे चूजे होते हैं, एक का नाम होता है जब ना मुर्गा जो होता है ना, वो जब को बुलाता है तो आ जाता है, को बुलाता है आ जाता है, तो ना मुर्गी इतनी परेशान हो जाती है तो ना वो ना डॉक्टर के पास जाती है, तो वो ना डॉक्टर को जाकर कहती है डॉक्टर साहब मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे दो बच्चे हैं जो इनका नाम मैंने अलग अलग रखा हुआ, लेकिन जब मैं कुबलाती हूँ आ जाता है, कुबलाती हूँ आ जाता है, तो मुझे कोई इलाज बताएं। तो ना डॉक्टर कहता है कि मेरे पास इसका एक ही इलाज है, तो कहती है बताएं बताएं, वो कहता है कि ना आप ना का नाम रख दो, का नाम रख दो। बहुत ही फनी बातें कर रही हैं आप। अच्छा मुझे बताएं आपको गाना आता है? हाँ मैं सिंगर हूँ। पता है मेरी क्लास में सारे बच्चे पता क्या कहते थे, निम्रा एक गाना सुना दो, हमारे स्कूल के लास्ट डे चले तो, और मैं उन सबको गाना सुनाती थी। मेरा एक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गाना, है तो इंडियन ही सॉन्ग लेकिन मैं सुनाऊंगी जरूर। सुना सुना। लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के दे हमको करीब से। ये बात सुने, मैं कैमरे पर आनी चाहिए, मैं 6 बजे टीवी लगाऊँ ना तो मैं मुझे नजर आनी चाहिए, मैं अपने सारे दोस्तों से कह दूंगी कि वो 6 बजे CT42 लगा लें और मुझे देख लें। I'm so excited। आप तो बहुत excited हैं। चलें फिर एक सवाल का जवाब दें आप। मुझे बताएं कि आसमान पर लटका हुआ ऐसा कौन सा मटका जिसमें पानी होता है? सवाल पूछे ना। क्या दोबारा पूछना जरा? आसमान पर लटका ऐसा कौन सा मटका है जिसमें पानी होता है? होता होगा, होता होगा, होता है, होता है। बादल? नो, सोचे सोचे। क्या दोबारा पूछना जरा? मैं दोबारा पूछती रहूँ? चले आपसे मैं क्वेश्चन ही चेंज कर लेती हूँ। मुझे बताएं कि मैं पैसे ही ना पढ़ाई में बहुत ना लाइक पांडी हूँ, तो कोई आसान सा सवाल पूछे, मार मार के दुआएं कर करके मैं पास होती थी, कोई आसान तरीन सवाल पूछे। क्या चीज है? सच्ची मैं बड़ी मुश्किल से पास होती थी, इतना तो मैं पेपर में तैयारी नहीं करती थी जितना मैं नमाजें पढ़ पढ़ के नंबर ले लिया। अच्छा चले ठीक है। ऐसे कौन सा जानवर है जो मुड़ के नहीं देख सकता? आसान है लेकिन मेरे ना जेन में नहीं आ रहा। इससे भी आसान कोई हिंट ही दे दे। अच्छा मुझे बताएं कि जिस पार्क में अभी आप खड़ी हैं इसका पुराना नाम क्या था? मैंने आपसे पूछा है। शी इज माय सिस्टर, तो सेम सेम ना,
उसने जवाब दिया, मैंने जवाब दिया। लेकिन आपकी सिस्टर कैमरे के सामने तो नहीं आई ना, आई तो आप है ना, क्रेडिट था। मिनटों बाद अब मुझे कोई प्राइज मिलेगा कि नहीं? नो, गलत बात है, ठीक है, क्योंकि आपने किसी भी सवाल का ठीक जवाब नहीं। नहीं, कोई आसान सा पूछ ली ना, मुझे कोई टंग ट्विस्टर दे देती मैं वो बोल देती। टंग ट्विस्टर भी करवाते हैं इनसे। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। नजर की नजर, नजर की नजर। नजर ने नजर को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात।